नमस्कार, मेरे कैंसर राशि के मित्रों, स्वागत है आपका आनंद शर्मा एस्ट्रोलॉजी टीवी में। और मैं लेके आया हूँ आपका मंथ ऑफ जून का राशिफल। और इससे पहले कि मैं आपकी राशि के बारे में बात करूँ, आपको एक जरूरी सूचना देना चाहूँगा। अगर आप मेरे साथ फेस टू फेस बात करना चाहते हैं तो मेरा फेसबुक लाइव जो हर बुधवार 8:30 से 9:30 यूके टाइम के हिसाब से होता है, उसमें भाग लेना, पार्टिसिपेट करना ना भूलें। ज्वाइन मी एवरी वेडनेसडे एट 8:30 PM टिल 9:30 PM। उस दौरान मेरी आपसे मुलाकात होती है और आप कोई भी एक सवाल पूछ सकते हैं और मैं अब बात करूं आपकी राशि के बारे में। कैंसर राशि, आपको आपके महीने की शुरुआत हो रही है जहां आपके राशिपति चंद्र शनि के साथ सिक्स्थ हाउस में बैठे हुए हैं। ये भाव जो ये हाउस है वो निश्चित तौर पे समस्याओं का हाउस कहा जाता है, हेल्थ का कंसर्न दिखाता है, एनिमीज को दिखाता है और साथ ही साथ शनि को शत्रुहंता कहा जाता है। तो इस दौरान आपके इर्द गिर्द बहुत सारे शत्रु पैदा हो सकते हैं, लेकिन ये बात अलग है कि आप अपनी चतुराई से, अपनी नरमाई से और अपने हठ से उन शत्रुओं के ऊपर विजय पालें। लेकिन सेहत का ध्यान आपको इस महीने में खास तौर पे रखना होगा। सेहत, हेल्थ इज वेल्थ बहुत जरूरी है। और साथ ही आपको पता ही है कि राहु आपके राशि से, लगन से जो है वो गुजर रहे हैं, तो ये एक अच्छा योग नहीं है। अपनी ही राशि के साथ षडाष्टक योग बना लेना किसी राशिपति का, लग्नाधिपति का अच्छा योग नहीं होता है। तो ये महीना आपके लिए चैलेंज से भरा होगा, लेकिन कामकाज के मामले में ये महीना आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन करने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग बिजनेस में हैं, व्यापार में हैं, उनको तो अच्छा मिलेगा, लेकिन जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए बात बनने वाली है, यानी कि आपको जॉब मिलने वाली है और उसके लिए आप तैयार हो जाइए। एक बहुत ही बेहतरीन समय। लेकिन साथ ही साथ कहूँगा कि 8 तारीख के दिन वीनस, जो इस समय आपके लाभेश हैं आपकी कुंडली में, वो आपके 12th हाउस में बैठे हुए लाभेश का आपकी राशि में आ जाना, ये शुक्र और राहु के साथ योग से संयोग बन जाना उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। और ऐसे में आप अपना समय व्यर्थ गंवा सकते हैं। आपकी रुचि कुछ अलग तरह की चीज़ों के तरफ, आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ हो सकती है, तो सावधानी पूर्वक डिसीजन बनाए जाएँ तो आपके लिए अच्छा होगा। वहीं बुध 12th हाउस का 10 तारीख को आपके 12th हाउस में आने वाला है और साथ ही साथ सूर्य भी, जो आपके धन के कारक हैं, वो 14-15 तारीख को 12th हाउस में मूव कर जाएंगे। तो ये ट्रांजिट जो होगा वो निश्चित तौर पे एक बार फिर से आपकी हेल्थ और आपकी जो सेविंग है उसको खराब करेगा, यानी कि आपके खर्चे इस महीने में बढ़ चढ़ के हो सकते हैं। हेल्थ का आपको ध्यान रखना होगा और अपनी जैसे कहें कि ध्यान देना होगा कि आप गलत रास्तों पे, गलत संगति में ना उलझें, इस बात का भी आपको ध्यान देना होगा। कहते हैं किसी का बुरा करना हो तो उसे गलत रास्ते पर डाल दो, वो खुद ब खुद अपना नुकसान करता चला जाएगा। वहीं 7th हाउस की अगर बात करूं, रिलेशनशिप की बात करूं, मंगल और केतु, मंगल वहां उच्च राशि के बैठे हुए हैं और आपके पंचमेश भी हैं, तो ये पंचमेश जो आपके मंगल हैं, कर्मेश आपके मंगल हैं, ये दिखा रहे हैं प्रमोशन और ये दिखा रहे हैं कि अफेयर्स में, अफेयर की ओर आपका ध्यान जा सकता है। आप अफेयर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, रिलेशनशिप में आप बहुत अच्छा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कुल मिला के मंगल और केतु का ये योग आपके ऑनगोइंग मैरिटल रिलेशनशिप में एक अच्छा रोल प्लेगा, लेकिन डाउट की कंडीशंस भी साथ में पैदा होंगे, तो डाउट के लिए कोई जगह ना छोड़े तो बात आपकी बेहतर हो जाएगी और ये महीना आपके लिए बहुत खूबसूरत महीना बन सकता है। इस मामले में अगर बात करूं घर गाड़ी की, तो देख रहा हूं कि जुपिटर आपके जो है 4th हाउस में बैठे हुए हैं, वो भी लिब्रा राशि में, और लिब्रा राशि के लॉर्ड वीनस आपकी लगन पे होंगे, तो ऐसा दिखाता है कि कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को लेके, गाड़ी को लेके, घर की साजोसामान को लेके कुछ नए विचार, कुछ नई योजनाएं आपके अंदर बहेंगी और उनको आप पूरा करने का कोशिश भी करेंगे और शायद उसमें आपके खर्चे भी होंगे। तो कोई बात नहीं है, अच्छी चीज़ों के लिए खर्चे होते ही रहने चाहिए। धन हम कमाते किस लिए हैं? अच्छी सेहत के लिए, अच्छे खान पान के लिए, अच्छी लिविंग के लिए, तो उसका आप भरपूर प्रयोग करें। किसी लंबी दूरी की यात्रा का योग भी इस बात बना हुआ है। तो मैं कहूँगा कि ये जो महीना है वो चैलेंजेस से भरा हुआ है, लेकिन आपका जो प्लानिंग है, आपकी सूझबूझ है, वो निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत बहुत कुछ अच्छा कर सकती है। मैं ये कहूँगा कि उपाय के रूप में अगर आप चाहें तो जो जूसी फ्रूट हैं, जितने भी रसदार फल हैं, उनकी चैरिटी की जाए, लोगों में बांटा जाए, उनको खैरात किया जाए, तो वो निश्चित तौर पे आपके लिए बहुत बेहतरीन उपाय साबित होगा। की फैक्टर है आपके लिए, ये कहें कि ये उपाय आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। वहीं साथ साथ में अगर हो सकता है तो सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान धर्म स्थान में आप करें तो
तो निश्चित तौर पे ये आपके लिए परिवर्तन लेके आएगा, आपकी हेल्थ वेल्थ कारोबार में इससे आपको काफ़ी लाभ की स्थितियाँ जो है वो बनेंगी आपके लिए। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी और इस हिसाब से आप बहुत सारी चीज़ों को प्लान करने के लिए आगे बढ़ेंगे, उसमें आपको कामयाबी मिले ये कामना और ये दुआएं आपके लिए करूँगा। मिलूंगा आपसे और बात करूंगा आपसे आपके अगले महीने के राशिफल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।